दुआए प्रभुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन्ने वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्ली सात मिन सात लैल व नहार वलियम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलन व आइना अत्ता तुस्किनहु व अर्ज़ुका तौअन व तुमत्तिअहु फीहा तवील या रब मोहम्मद व आल मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद वज्जल फरज आल मोहम्मद या काइम आल मोहम्मद आदरकनी या काइम आल मोहम्मद आगिस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद दुआ है तो सा तमाम मोमिनीन दा टुरया परदे च मोमिना तमाम भेणा दा टुरया बानियां दी पुरखलूस मैंने सफ़े मातम भी छाई असा जाकरीन दी पढ़ाई मेरी मुर्शदादी अपने बारगज कबूल और मंजूर फरमा इस जिक्र दा सदका जो जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हैं मौला शिफाए कामला ता फरमा मेरे मौला जो बे औलाद हैं औलाद नरी ना ता फरमा मेरे मौला असा सारे दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलवात सारे पढ़ माशाल्लाह काफी अज़ादार तशरीफ फरमाओ इमाम हुसैन बादशाह तुहाड़ियां नौकरियां अपने बारगज कबूलो मंजूर फरमाओ वसते रहन या अली कहन वाले वो जाई वसन वो घर वसन जिथा पंजा बारह चौदह का जिक्र हो नौकरी का आगाज इन लफ्जों तो करना चाहना कि कपड़े वही चादर वही दस्तार वही है कपड़े वही चादर वही दस्तार वही है चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है कपड़े वही चादर वही दस्तार वही है चलता है तो लगता है कि अल्लाह का नबी है और अंगुष्ट बदंदा है सभी मक्का के काफिर सोया तो मोहम्मद था जागा तो अली है या अली तन वास्ता रखी दिल से उस बेदिल के दिल की मारिफत हो जाएगी दिल से उस बेदिल के दिल की मारिफत हो जाएगी दिल ही सारे बंदगी में बंद होना चाहिए फिर सुन लो दिल से उस बेदिल के दिल की मारिफत हो जाएगी दिल ही सारे बंदगी में बंद होना चाहिए दिल ही सारे बंदगी में बंद होना चाहिए मुर्तजा को मानना मुश्किल नहीं एक शर्त है आदमी अंदर से गैरतमंद होना चाहिए थोड़ी जिंदगी हो गई चार लाइना और सामने आ गई दिल में बसी हुई है फकत जाते लापता दिल में बसी हुई है
फकत जाते ला फता, मुझसे किसी जरीना भगौड़े की बात कर। बड़ा फहीम मजमा मेरे सामने तशरीफ फरमाए, तौजी दी लोड़ ही नहीं, तशरीफ दी लोड़ ही नहीं। दिल में बसी हुई है फकत जाते ला फता, मुझसे किसी जरी ना भगौड़े की बात कर। मुझसे किसी जरी ना भगौड़े की बात कर, और यसरब से एक जस्त में खैबर पहुंच गया। हैदर तो बा कमाल है, तू घोड़े की बात कर। जी मौला तनु रंग लावे, इमाम हुसैन बादशाह तनु वास्ता रखे। तहारतों के मुकद्दर का जैन बैठा है, तहारतों के मुकद्दर का जैन बैठा है। कायनात का बेहतरीन शहर मदीना, कायनात की अफजल तरीन मस्जिद मस्जिद नबवी, कायनात का बेहतरीन नमाजी मोहम्मद अरबी, नमाज के बेहतरीन रुकन सारा इस यानी सजदे च सारा इस उस खाली के बेनियाज दा बेनियाज नमाइंदा। टोराए पुछ के नहीं, इजाजत लेके नहीं, अपनी मर्जी ना ला के पुछते नबी ते सवार थी गए। अपनी मर्जी ना पुछते नबी ते सवार हो गए। ढेर सारे लोग बहुत ज्यादा लोग जेड़े आज भी गल्ला करते हैं नशियां दे हाथ कोई गल आ ना जाए, ऐवें रौला पाया कि फजीलत की गल है। हुसैन बाल हा बच्चा हा, वो बालों बच्चों नू सवारी का शौक होंगे। रसूले मकबूल की पोजिशन सवारी वाली तो पहले बनी हुई है। हुसैन आके बह गए नशियां दे हाथ कोई गल आ ना जाए, बच्चा बाल हा सवारी का शौक है। नाराज नहीं होना, इकले नमाज नहीं पे पढ़ते, पिछे सात सफा है। हुसैन पहली सफ को गुजरे, दूसरी को गुजरे, तीसरी को गुजरे। जे सवारी के शौक च आए होंगे, रस्ते च बड़िया बड़िया तेज रफ्तार सवारियां मौजूद हैं। बैठे हो चलो थोड़ा जाओ, टूरी जरूर आखे हो सी। पालने वाले क्या आज मैं तेरा महबूब नहीं रह गया, तू तो आदमी थोड़ी कर घट कर। मेरा नबी तेरे पैर सो जाते, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करता। मेरा महबूब तेन कोई तकलीफ होए, आज मैं तेरा महबूब नहीं रह गया, आज आदमी वधा वधा। कदों तई वधावा, गर्मी वेख हुसैन वेख, कोई टाइम कोई लिमिट। मालिक हकीकी दी आवाज है, मेरा नबी तहारतों के मुकद्दर का जैन बैठा है। मालिक आज मैं तेरा महबूब नहीं रह गया, मालिक हकीकी दी आवाज है, मेरा नबी तहारतों के मुकद्दर का जैन बैठा है। मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। और मेरे हबीब आज सजदा जरा लंबा करो, क्यों तुम्हारी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। एक सलवार पढ़ लो, कोशिश करो सारे पढ़ो सलवार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي
नजवा मालिक मुल्के वदबराहु तदबीरा सलवा असला اشرف الانبیاء الرسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الامام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد الذي كان دائيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتنا يا جبريل ہمیں خطبے دے بعد عبادتن ربائی پڑھی کافی دیر دے بعد امام حسین بادشاہ نوں رنگ لاوے اے گل کہیں آکھی کس نوں آکھی اوتھ نہ آکھی جبریل مالک حقیقی دی آواز آئی ہے جبرائیل جی رب جلیل زمین تے پیا وے نہ خالی نہ وانج مالک کیا کر دو پوشا کا جنت چونچا چالیاں پوشا مالک ہن منیا آوازیں بے شک وانج پرانا غلام پرانا نوکر ایک گل دا خیال رکھے مالک حکم مالک حقیقی دی آواز آئی اتنا آتھے او جبریل ہمیں تکوں دے دا حکم جلیا میں اپنی کنیز دے لفظاں تو تقدیر بدلدا پیا تینوں بس پوا کے نوکراں دا اج آپ بھیجدا پیا ہاتھ جوڑ کے در تے آنکھ ڈویں حسنین دا میں دردی ایک ہور سلوار آگئے جناب جبرائیل گل یاد ہے ایک خط پوشاکا
दूसरे हाथ में दक्कल बाप। काफी देर दे बाद साइया दी कनीज ते साड़ी सैन दाई है पाकां दी साड़ी सैन जनाबे फिजा दरवाजा खोले जनाबे जिब्राइल देख के फरमेंदन भेण फिजा ते मैनू अपने दर्जात भी बिखेने मेरे पास घट मैं भी कोई ना मैं अल्लाह दा मुकर्रब फरिश्ता हसनैन शरीफैन मेरे परां ते आराम कर दे अली जैसे शहनशाह दा मैं शागिरदा मैं कोई घटा आखरी बंदे तक पूरी तरह जेड़े वेले जनाबे जिब्राइल अपना त्रा तारफ करवाए जनाबे फिजा साड़ी सैन फिजा मुस्कुरा के आदि तू बेशक मलक मुकर्रब है मैडो देखता सही मैं क्या हां दर्दी खास कनीज हां मैं तड़ कीते अदब दी जा बीबिया दिए तड़ मैं शान फर्क बड़ा तड़ मैं फर्क बड़ा है कूड़े दी आज समझा हां केड़ी गल हुक्म दी तामील च कसीदा हदीसे किसा दा तर्जमा समावी मखलूक सवाल कीते पालने वाले जड़े चादर दे तले न कौन मालक ने जड़ा तारफ करवाए वो अरबी च इसका तर्जमा हदीसे किसा दा जड़ा उर्दू जबान च कीता वो काफ़ी हुक्म है तकरीबन थोड़े दिन पहले मजलिस पढ़ के गया हूँ चक फजल शाह तो पढ़े तो उसे कसीदे का हुक्म वो दो शेर पढ़ के उन्दे बाद फिर पंजाबी जुबान अर्श वालों ये बातें सुनो अर्श वालों ये बातें सुनो अर्श वालों ये बातें सुनो अर्श वालों ये बातें मेरे सारे नजारे यही हैं मेरे बंदे भी प्यारे यही हैं अर्श
शिवानो ये बातें सुना हुक्म दी तामील आई इस वास्ते पढ़दा पिया सेट भी अज मेरा नाम मुकम्मल है सारे जान दियो ते भरावां दा वैसे ही बड़ा आसरा हुंदा है छोटा नाल नहीं मेरे वो सारे नूं कवर भी करदा है लेकिन मैं कोशिश करांगा कि उहदी कमी मैं आपे पूरी करां तुहाडी जिंदगी होवे पालने वाले इना चादर वालियां दा मजीद तारफ करवा मालिक दी आवाज आई आओ मजीद तारफ करवावा तूर पर बे कायल का नजारा मूसा ने भी साईं को पुकारा पालने वाले मजीद तारफ करवा चादर से तले कौन है मालिक की आवाज आई आओ मजीद तारफ करवावा तूर पर बे कायल का नजारा ने भी साईं को पुकारा तूर पर भी कायल का नजारा इनके सदके मनू को भव में आ जल्द मिल गया किनारा नाम आदर ने जो भी पड़े थे ए वो तो सारे के सारे यही है मौला तनु रंग लावे कसीदे दा दिल शेर हासले नजम शेर पालने वाले अगर इना चादर वालिया नु मिलना होवे मिलन ते दिल आ जाए मिलन नु दिल कर पाउंदे इना चादर वालिया नु मिलना जो होवे केड़े तरीके नाल बंदा मिल सकदा मालिक हकीकी दी आवाज आई आओ मिलन दा तरीका दसा इनके नजदी तवज्जो इनके कदमों में सर को झुकाना जिनको पढ़ता है कुरान मेरा असल में वो सिपारे यही है तुहाड़ी जिंदगी होवे मौला तुहानूं रंग लावे जिक्र नसीब होवे मुल्क दा बहुत बड़ा बादशाह जाकिर सुल्तान जाकिर जिहड़ा अज साडे दरमियान नहीं साईं मंजूर हुसैन मंजूर इस पाक मैंबर दी इज्जत दी कसम है मैंबर ते खलो के जिहड़ा कूड़ मारे वड्डा लानती हुंदा है जरा कूड़ मारने वाले तो लानत ना करो तकरीबन वो तो वड्डा ही नहीं जिस तरह रदीफ काफिया साईं मंजूर निभाया ने कसीदे दिए बहुत बड़ा शायर कसीदे नु समझने वाला खास करके पंजाबी जुबान का कसीदा उन्हों का एक कसीदा मैं चाहूँ
उन्हां दी रूह नूं राजी करां। उन्हां दी कबर ठंडी करन वास्ते मैं उन्हां दी बजुर्गां दी दुआ हासिल करां। कर इज्जत अली दिया लाला दी तैनू इज्जत करण दा सवाद आवे। इहदे च बार बार बाबा जी इहदे च नहीं आउंदी रुबाई। अच्छा बार बार आएगा इहदे च स्वाद आवे। रदीफ रेपिटेशन है, बार बार स्वाद आवे, लुत्फ आवे, मजा। उन्हें देखना कि स्वाद आंदा कितने। कर इज्जत अली दिया लाला दी तैनू इज्जत करण दा सवाद आवे। कर इज्जत अली दिया लाला दी तैनू इज्जत करण दा सवाद आवे। कर इज्जत अली दिया लाला दी तैनू इज्जत करण दा सवाद आवे। लिख सजदे गाई ते नाम अली दा इबादत करण दा सवाद आवे। जन्नत लभदा फिरदा है, दुकाना ते नहीं मिलदी। जन्नत किवें मिलदी ने आदम वाला शेर मुलाजो किवें दई। ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦ ਮੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਪੀਰ ਐਸੇ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰਬੋ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀਵੀਏ ਪੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ। ਮੈਂ ਲਈਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਮੋਰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਉਧਰੇ ਪੜੇ ਨੇ ਕੱਛੀਏ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ ਤੁੰਨ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਪੀਰ ਐਸੇ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਵਣੇ। ਇਸੇ ਜ਼ਮਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਈਅਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਓ ਯਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਈਅਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਓ ਯਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਵੰਜਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਰ ਬਈਅਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਈਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫੁਲਾਂ ਜਾਤ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੋ, ਫੁਲਾਂ ਜਾਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਅਲੀ ਦਾ ਪੌਂਕਦੇ ਅਲੀ, ਜਿੰਦਾ ਖਾਈਏ ਹੁੰਦਾ ਗਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਫੁਲਾਂ ਜਾਤ ਚਾਹੋ ਨਾਮ, ਫੁਲਾਂ ਜਾਤ ਨਾ ਚਾਹੋ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਬੀਏ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਵੀ ਅਲੀ ਹੈ ਤੋ ਮਿੰਬਰ ਪਰ ਵੀ ਅਲੀ, ਕਾਬਾ ਗਵਾਹ ਦੋਸ਼ੇ ਪੇ ਅੰਬਰ ਪਰ ਵੀ ਅਲੀ, ਹਿਜਰਤ ਕੀ ਸ਼ਬ ਰਸੂਲ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਪਰ ਵੀ ਅਲੀ, ਜੰਨਤ ਅਲੀ ਕੀ ਮਿਲਕ ਹੈ ਕੌਸਰ ਪਰ ਵੀ ਅਲੀ, ਹਰ ਜਾ ਅਲੀ ਮਿਲੇਂਗੇ ਹਰ ਜਾ।
हर जाए अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। जेड़े मेरे मौला का वजन कर देन उन्होंने मुखातब हो के उन्होंने मुंह खोड़न वास्ते शेर पढ़ना चाहना किवें भाई अली वली अल्लाह दे दुश्मन हो गए ने हुण जे तू नौकर शादा है फिर मजलिस विच खलो के अली वली अल्लाह दे दुश्मन हो गए ने हुण जो के जे तू नौकर शादा है फिर मजलिस विच खलो के कर लानत अली दिया दुश्मन ते तैनू लानत करण दा सवाद आ जंजी अली दी आई वेड़ नबी दे जवान का हुक्म चलो ये भी राजी हो गया। जंजी अली दी आई वेड़ नबी दे आज ना कर जबरील नो जरा मालिक को पैगाम सुने हुक्म देता है कि ये जाके काम कर आज ना कर बन के खिदमत विच कुछ फर्क आया ते कु कर दे सस्पेंड जंज अली दी आसिया मरियम हवाया मरियम हवाया मैं दिया वालिया थालिया चाया पग रसूल बधाई है वेड़ नबी दे जंजी अली
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। ਬਸ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं, बात नहीं। हर मौला दे मदा खान दा अंदाज़ अपना। लानत वाजब तुहाड़ी जिंदगी होवे। दी ढल गया आखर दी ढल गया आखर ओ डहवीदा खंजर हेठ नमाज पढ़ी गई जय चादर दा अब्बास हजा मिल उहाले जयानाल सदके हर लाश कुचावर ओ प्यू गया है एक लाश कुचावण धी गई ओ जड़ा वालाईए हाल काल जख्मी यू तू शाम गरीब सदके सदके मैं सदके दो या त्रै मिनट पढ़ना हो बस कह मैं भा लगी हुई है हमीद बिन मुस्लिम रवायत करें दा एक बीबी है जड़ी बार बार खैम्या दे पास वेंदी है वत वापस आंदी है हमीदा दे मैं करीब आके कंड वाला के पूछे बीबी मैं जानदा नहीं तू कौन है मुकी जई आवाज आई मैं बतूल दी धीया अली जे शैल शादी दिया हसनैन दी सकी बेड़ा अब्बासी मुर्शदा दिया हमीदा दा बीबी मैं दूर तो वेदा पिया खैमे नु भा लगी होई तुसा बार बार खैमे दे पास वेंदे हो वत वापस आंदे हो बीबी मैनू पक हो गया जरूर कोई तुहाडी कीमती चीज अंदर रह गई है बीबी रो के आदी है मेरा बीमार पुत्र अंदर रह गई है हमीदा दे बीबी मैं तेरी मदद करा बीबी आके भला होवी अल्लाह राजी होवी ओ शरीफो हमीदा दे मैं आग दे पासे टुरिया चंद कदमा तो वापस आके हाथ जोड़ के आख्या बीबी भाद से कितना ज्यादा है इंसान अंदर नहीं जा सकता लिहाजा कोशिश न कर उस वाले मखदूमा रो के आदी है पीछा हट वन तेरा लगता जो कुछ नहीं मैडा बीमार पुत्र मैं आप वैनी है मैडा जो एक बच्चा है सदके
हमीदा दा मैं पिछे हो गया हमीदा दा थई दाखिल सड़दिया खैमिया विच खातून दी जख्मी दीए ओ वंज पोतर जगाया बहु मुश्किल चाया बहु जल्दी वापस है ये अल्लाह अकबर ईदा हौसला देख के जग गाजी दी बनू हाशम को भूल गई है ओ जड़ा पुत्र जवान को कंड ते जाके अगू फौज हटे दी सदके बस आखिरी बात बड़ी मुश्किल नाल अपनी नस्ल मुकाई है भिरा दी बचाई सजान मोहब्बत भावे तो गर्दन ते जाके फिर नहीं है करबला की जमीन ते लिखा है मुड़ा इलाके ने सजाद की भाल वेख मन भी गई है सजाद की कोल बाबा मार गए भिरा पर टूट गए चाचा बाप काम टूट गए बड़ी मुश्किल से मैं नहीं दसिया जिमें शिमर गया बचे बिबिया